स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महानिदेशक स्कूली शिक्षा बेसिक के नाम से संबोधित ज्ञापन कार्यालय के नोडल अधिकारी ज्ञान प्रकाश को सौंपा, जिसके संबंध में युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष इंजीनियर अभिजीत पाठक ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शासन द्वारा लॉटरी के माध्यम से चयनित लाभार्थियों का शहर के कई प्राइवेट विद्यालयों द्वारा प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और पैसे की मांग की जा रही है। उन्होंने मांग किया है कि ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भेजा जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष इंजीनियर अभिजीत पाठक ने कहा, शिक्षा का अधिकार कानून का पालन हो, पालन हो, पालन हो। प्राइवेट विद्यालयों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्राइवेट विद्यालयों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा अभी तो ये अंगड़ाई है, जिसके बावजूद कई प्राइवेट विद्यालय द्वारा अवैध रूप से धन उगाही के फिराक में चयनित विद्यार्थी लाभार्थी अन्य जो भी प्राइवेट विद्यालय जो लाभार्थियों को चयन लेने से मना कर रहे हैं। अभिजीत पाठक, जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस गोरखपुर। देखिए, आज हम लोग जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर से मिलने आए हुए हैं। हमारा जो मामला है, मुद्दा है आज के इस प्रदर्शन का और उनसे मिलने का, वो यह है कि जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसके तहत निजी विद्यालयों में, प्राइवेट विद्यालयों में 25% जो है वो जो वंचित समाज के लोग हैं, जो शोषित समाज के लोग हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया है इस देश के संविधान ने और इस कानून ने, 2009 के कानून ने। उसी के तहत जो शासन की एक व्यवस्था बनी है, जिसमें लाभार्थियों से आवेदन लिए जाते हैं और उनकी लॉटरी कराई जाती है, लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन होता है, ये सारी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं शासन के द्वारा। और विद्यालयों को जो चयनित छात्र हैं उनकी सूची भेज दी गई है। उसी जो चयनित छात्र हैं, जब वो विद्यालयों पे जा रहे हैं, अपना जो लाभार्थियों के लाभार्थी पालियों के अभिभावक हैं, वो जब विद्यालयों पे जा रहे हैं, तो विद्यालय कोई ना कोई आनाकानी करके उनको इस कानून की योजना से वंचित रखने का प्रयास कर रहा है। हमारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से यही मांग है, आज उनसे मुलाकात करके यही हम मांग करने वाले हैं कि जो भी लाभार्थी हैं वो 2 दिन के भीतर उनका जो प्रवेश है वो संबंधित विद्यालयों में और संबंधित कक्षाओं में सुनिश्चित हो जाए, अन्यथा हम 2 दिन बाद जिलाधिकारी महोदय का घेराव करेंगे। और उसके अलावा हम जो संबंधित विद्यालय हैं, जो पालियों का जो एडमिशन नहीं ले रहे हैं, प्रवेश नहीं ले रहे हैं, उन विद्यालयों पर भी बैठ के क्रमवद हम सत्याग्रह करने के लिए बाध्य होंगे।